बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कि वहाँ से हम भी ठीक है, मेरे शुक्र है कि नाल काफ़ी मैं कीता महीना महीना ही हो गया भी मैं कोई खाना पकाने की कोई भी वीडियो नहीं पाई है। अज मैं पकान लगी हूँ, फुल्का बना लगी हूँ। हाँ जी, आइसक्रीम मेरी बन गई है। मैं दो गिलास ले छटील के गिलास लैने ने, बड़े लैने ने, छोटा होने पानी लगी छटील के गिलास के ना जल्दी जम जाते, पर जल्दी जम जाती जल्दी जम जाएगी। बिस्कुट लेने मूंगफली वाले बिस्कुट लैने, एक पैकेट लिया चीनी में रखी तो बिस्कुट होगी चीनी होगी किलो दूध। उन्होंने मैं अब फुल्का बना लगी जिन्हें और भी इस्तेमाल करने पे तो फिर मैं कर ला तो फिर मैं मतलब कि हो गया था और लच लगा था। चल चीज़ा रख लवा फिर तो बैठ बना लगी। रोज़िया की बनाई है खाने वाली वीडियो, खाण पून वाली जी मैं रोज़े ने पाई। उस तो बाद शादियाँ ही बहुत आ गई, असं शादियाँ तो जाते रहे। फिर उस तो बाद मैं बीमार काफ़ी हो गई, अल्लाह का शुक्र है आई तो मैं ठीक हाँ। कल मेरे पेट के बहुत ही दर्द होती रही है सारा दिन, लेकिन मैं कम करती रही हाँ। बैठा के नाल ना ज़्यादा इंसान तकलीफ होंगी है, कम कार करते रहो ना फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। कपड़े कुपड़े धोते तो छाड़े काफ़ी गंदे से कपड़े धोते तो नेरी बाद चो इन्नी तेज नेरी आई है पट्टियों कट्ठी कर दिता। सुबह सारा फर्श फुर धोता सफाइया कीतियां ने करके, मैं कहा चलो फुल्का बना ला कुड़ी मेरी अजे भी सुती गई उन्हें जल्दी उठना गर्म होंगे ना। फिर मैं ये चीनी पानी है मिठा चेक कर लो ज़्यादा खाते तेज भी तो निकल मिलो तो तेज पसंद है फिर हमेशा चीनी मैं होर पा लाँगी इन्नी कि छनी है तो पाई मेरे छोटी है चीनी। शायद करके तो फिर पावे पहले मैं इन्ना मिक्स करके दे उबाल आने तक फुल उबाल करते हैं उसको। दुध में जरा बाल आ जाए ना फिर मैं बिस्कुट जो बहुत जबरदस्त मज़ेदार ना, वैसे भी बिस्कुट बहुत ही मज़ेदार है। मैं तो जो भी खाने उन्ना ए वाले बिस्कुट मंगवा खानी हाँ। दुध में उबाल आ गए, चूल्हा थोड़ा जो मैं हल्का किया, इस तो बाद फिर नहीं करा हम मैं बिस्कुट जोड़े बना ला इसी तरह चबा दिया। बिल्कुल हल्की लैट देते पक जाने साइड तो ही बस मैं इस तरह ला पहले ग्रैंड करके भी तुम पा सकते हैं इस तरह के उंजी भी बिस्कुट पता दुध में जाके उंजी घुल जाते हैं। बस बिल्कुल हल्की लैट के भी पकाना है, अगला भी तरीका दस दें किस तरह बनाना है। इतने साढ़े बच्चे ने से है ना तो उंजी बिस्कुट चुप के खा जाने से, अल्लाह का शुक्र है सुते ही सारे ये सो रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं ना तो उंजी फाड़ के ना एक बिस्कुट इतना चुकना से बना भी नहीं देने दे हाँ तो फटाफट जो चुके खा लीए फटाफट जो अपने चीज तो खाने बस उन्होंने यह मसला बालना का तो ना अच्छी तरह ना मैं तो जग तो जरा मशीन तो दे जी
अच्छी तरह मैं ना दूध के उतार रही, लेकिन चिल्ला भी बिल्कुल हल्की लैड पर छेड़े आ, ज़्यादा मैं चिल्ला नहीं तेज करना, शायद अच्छी तरह ज़्यादा पहले पक जाए। बिल्कुल ना सैडा तो दुध लग रहे हैं, जो बिस्कुट जड़े ने ना मेरे सही मिक्स नहीं हुए, चूल्हा बिल्कुल थोड़ा जहा तेज करा, जल्दी जल्दी जरा पक जाए, फिर इन्होंने जो ठंडिया भी करना। तीन तो चार घंटे तक इन फ्रिज सीए रखना है। उबाल आ रहे हैं, बस फिर हम जरा तकड़ा हल्का कर लो, उबाल बहुत ही आ जाना, उबाल आया तो बिच मिक्स हो गए ने, उंज हो नहीं सी रहे जब तक इन्होंने मैं चमचे की मदद के नाल ना बिल्कुल इन्होंने मिक्स करना है। याद ही नहीं रहा पहले मैं नंबर नहीं कर लेंगी तो बेहतर से, लेकिन अभी बाद भी करना कि मिक्स हो जाने नीचे। देखना बिल्कुल हल्की लैड तो 10 तो 15 मिनट तक पकाना आना है, बिल्कुल है देखे ना ठंडा हो गया ना इस तरह। हूँ मैं ला लगी ठंडा कर लगी, इस तो बाद मैं ग्रैंड करा जग के पा के ग्रैंड करके तो बाद च रखा फ्रिज के, तीन तो चार घंटे तक फ्रिज च रहेगा, बहुत ही जबरदस्त और मज़ेदार बनता है। अगे मैं बना के तुम तरीका दसिया डबल रोटी का, वह भी बहुत ही मज़ेदार फुल्का बनया से, मेरा बिस्कुट का भी बहुत जबरदस्त और मज़ेदार है। मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखा करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा करो, सपोर्ट करो मेरे ना ज़्यादा, तुहाडे सपोर्ट की मैं जरूरत है, और ज़्यादा ज़्यादा मेरे ना सपोर्ट करो, तो मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखा करो, शुरू तो लैके एंड तक देखा करो, फिर पता लगता है कि भी चीज़ पाई है कि नहीं पाई। कई लोग शुरू तो थोड़ी जी वीडियो देख के बंद कर लेंगे, लेकिन शुरू तो लैके एंड तक मेरी वीडियो देखा करो। तो मैं हूँ उतारन लगी हाँ चुले तो थले, थोड़ी देर मैं हूँ इन ठंडा कर लगी हाँ, एक बार ठंडा होंगे फिर मैं ग्रैंड कर लूँ, फिर मैं भी थोड़े तरीका शेयर करा। चुला बंद कर लो, इन अच्छी तरह इन मिक्स करी जाना है, जिस तरह हो जाएगा ठंडा फिर अस ग्रैंड कर लो। मूंगफली वाला जिहड़ा बिस्कुट ने ना मूंगफली वाले, इहदा फुल्फा बहुत ही मज़ेदार बनता है, जैसे कहा मूंगफली का भी बहुत जबरदस्त आता, बिस्कुट भी मज़ेदार। मेरा दिल कर रहा है मैं चलो अज खाव बना के, परसों तो मेरी बेटी ने मैनू बना के दी खिचड़ी, जिदन मैं बीमार सी अल्लाह का शुक्र सी बिल्कुल जिहो जी मैं चीज़ बनानी मेरे वर्गी बनाई, कहते जैका पता नहीं आया, मैं नहीं जो जो मेरे हाथ का जैका ना मेरी बेटी का जैका, माशाल्लाह इन्नी क मज़ेदार बनी सी ना, बहुत जबरदस्त बनी सी, नहीं तो मेरा दिल ही नहीं सिखा रहा कुछ है खाने, लेकिन काली मिर्चा ने ना खिचड़ी उन्हें मैं क्या बना, लेकिन बनाई उन्हें पहली बार बिल्कुल हम पता भी नहीं, कद चाह तो बगैर कोई शायद कभी नहीं बनाई, पहली बार बनाई है मैं लागे बैठ के दसी गए, मैं बनाई जा चीज़ा दसी इन्हें पाई जान पाई गई, बिल्कुल बहुत जबरदस्त और मज़ेदार बनाई है, ज़्यादा ज़्यादा मैं ना कोई करा ज़्यादा मेरी बेटी ना कुक करया करे, मैं वीडियो बनाया करांगी लेकिन वो ज़्यादा करया करेगी, मैं उन्होंने कुक करवाया करांगी, हर एक दिन जांच आ जाएगी। बिस्कुट भी मिक्स हो जाने, मिक्स हो जाएगा फिर इस तो बाद जबरदस्त और मज़ेदार बनता है।
ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਸੀ ਲਾਣ ਟੋਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੈਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਐਡ ਮੱਖੀ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਕੁਲਫਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕੱਪ ਨਾ ਕੱਪ ਬਣੇ ਗਲਾਸ ਬਣੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਗਲਾਸ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਗਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਬੜੀ ਸਹੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ।